हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 46 करेंगे, जिसकी डेट 19 अक्टूबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल और उसके अचीवमेंट और लिमिटेशन देखे थे। आज की क्लास में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले हम ये देखते हैं, जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इतने सारे लिमिटेशंस आ गई तो एक नई टेबल की ज़रूरत पड़ी। और ये नई जो टेबल है ये दी थी कि इन्होंने हेनरी मोजले ने, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। अर्लियर साइंटिस्ट एज्यूम्ड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब तक जितने भी सारे साइंटिस्ट आए थे उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। इसी अजम्पशन पर मेंडलीफ ने भी क्या करा था, 63 एलिमेंट्स को अपनी पीरियोडिक टेबल में रख दिया था। लेकिन ये वाला मेथड रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये हाइड्रोजन की पोजीशन और आइसोटोप्स के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया था। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हेनरी मोजले, 1913 में रिमूव्ड दीज डिफेक्ट एंड पुट फॉरवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विद द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सेम मेंडलीफ जैसा ही है, बस एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर आ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मींस अगर हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे तो सेम प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं एक रेगुलर इंटरवल बाद रिपीट होंगे। द एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड दिस नंबर इंक्रीज बाई वन इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। आप जानते हैं एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता चलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चलता है। एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर यानी कि जेड लीड अस टू द क्लासिफिकेशन नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ आपको बता रखा है एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ये आइसोटोप के बारे में बता रखा है जो ऊपर स्टार बना के जो दे रखा है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी अगर हम और इसको डिस्कस करें तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे कि इसमें 118 एलिमेंट्स हैं और ये जो 118 एलिमेंट्स हैं विच हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ऑफ 2019, मतलब 2019 तक हमें 118 एलिमेंट पता चल चुके थे। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे 18 इसमें वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। जैसे आपको ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे दिखाई दे रहे होंगे ना, ये 18 हमारे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको हम ग्रुप कहते हैं, और 7 हमारी हॉरिजॉन्टल रॉज होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स कहते हैं। और एलिमेंट्स इसमें इस तरीके से अरेंज हो रखे होते हैं। एलिमेंट्स की प्रोनंसिएशन अगर आप देखना चाहें तो जैसे आप देखें, फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। सेकेंड आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। और इसी तरह से आप बाकी सभी एलिमेंट्स को भी देख सकते हैं। चलिए, ये हमारी पीरियोडिक टेबल यहाँ पर हो गई है। अब इस पीरियोडिक टेबल के बाद हम कुछ क्वेश्चंस पर आएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आएगा, हु डिस्कवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने डिस्कवर करी, तो आंसर आप बता देंगे, इसका नाम लिख देंगे साइंटिस्ट का, हेनरी मोजले। नेक्स्ट आएगा राइट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आप क्लियर यहाँ पर मेंशन है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक, नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक केयर ऑफ 3 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, व्हाट वर दोज। इसमें मेंडलीव की जो 3 लिमिटेशंस हैं उनका ध्यान रखा गया है, तो वो क्या क्या है। तो पहली यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, पहले यहाँ पर ये हो जाएगी कि आइसोटोप्स की पोजीशनिंग इसमें करनी ही नहीं पड़ी क्योंकि एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है ना, तो आइसोटोप्स की कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दूसरा, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी यहाँ पर भी हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स पूरी तरह से तो नहीं है, पर हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है इसमें कि ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ ईजिली इसको रखा गया है, और इसमें क्योंकि पहला एलिमेंट हमारा कौन होता है, हाइड्रोजन, इसलिए उसको फर्स्ट ग्रुप में रख दिया है। ठीक,
और तीसरी लिमिटेशन क्या थी मेंडलीव के, कि हायर एटॉमिक मास को लोअर एटॉमिक मास वालों से पहले रखा गया था, तो इसमें उस चीज़ की कोई ज़रूरत पड़ी ही नहीं क्योंकि एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड नहीं है, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कमेंट ऑन पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड हाउ आर द पोजिशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व्ड हेयर। तो आपको बताना है आइसोटोप्स की पोजिशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है। तो आप यहाँ पर बताएंगे सीधी सी बात कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की तो पोजीशन है ही नहीं, पोजीशन उनको चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये एक डिफेक्ट था जो इसमें रिड्यूस कर दिया गया है, इसमें ख़त्म कर दिया गया है इसको, क्योंकि इसकी जो टेबल है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, मास के ऊपर बेस्ड नहीं है। एंड हाउ आर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व्ड हेयर, कोबाल्ट और निकल की जो पोजीशन है वो यहाँ पर किस तरह से रिजॉल्व की गई है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट और निकल को लास्ट वाले ग्रुप में रखा गया था और इनको मास को भी ठीक से अरेंज नहीं किया गया था, ज़्यादा वाला जो मास है वो पहले रखा गया था और कम वाले मास को बाद में रखा गया था। यहाँ पर भी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया गया है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, क्योंकि बार बार देखिए वही आंसर आ रहा है, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, तो मास का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितनी भी सारी बातें थी आपको समझ में आई होंगी और इसके क्वेश्चंस आप सभी इजीली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।